आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी की खास पेशकश खबर दोपहर में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। वो वक्त था साल 2019 का, जब लोकसभा चुनाव था, चुनावी प्रचार का चारों तरफ जोर था। उसी दौरान आजम खान ने एक ऐसा बयान दिया जिसने उनकी विधायकी तक छीन ली। रामपुर की निचली अदालत ने उन्हें दोषी तक करार दिया और कोर्ट ने 3 साल के लिए जेल की सजा के साथ ही 25,000 का जुर्माना तक लगाया था। लेकिन अब आजम खान को राहत मिल गई है। जी हाँ, सही सुना आपने, रामपुर की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने हेट स्पीच मामले में अपना फैसला सुनाया और कोर्ट ने इस केस में सपा नेता को बरी कर दिया है। निचली अदालत ने सपा नेता के खिलाफ बीते साल 27 अक्टूबर को अपना फैसला सुनाया था, जिस पर अब रामपुर की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाते हुए आजम खान को बाइज्जत बरी कर दिया है। इस दौरान उनके वकील ने क्या कुछ कहा है वो भी आप सुनिए। हमें न्यायालय द्वारा दोष मुक्त कर दिया गया है। उस हेट स्पीच वाले मुकदमे जिसमें हमें कन्विक्शन हुआ था, उसे अपीलेंट कोर्ट ने एक्विटल कर दिया है। जी हाँ, सभी मामले जो 185/2019 से रिलेटेड मुकदमे के संबंध में हम बात कर रहे हैं। क्या पूरा मामला था ये और कहाँ का मामला था, थोड़ा विस्तार? ये मेरे साथ भाई बताएंगे, बता दो भैया क्या मामला था। ये थाना मलिक से रिलेटेड मामला था और ये जो लोकसभा 2019 का जो इलेक्शन था उसमें उन्होंने जो स्पीच दी थी उससे रिलेटेड ये मामला था। जो प्रोसिक्यूशन ने उस रिलेटेड मुकदमे में जो उन्होंने स्पीच दी थी उसमें मुकदमे में ये एफआईआर कराई थी और वो न्यायालय में अपना केस जो साबित नहीं कर पाए और न्यायालय द्वारा हमें दोष मुक्त कर दिया गया। मामले में आजम खान को राहत मिली, अब आजम खान का भविष्य क्या होगा 2024 के लोकसभा चुनाव में? क्या सपा उनको एक बार फिर से महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देगी या फिर अब आजम खान का भविष्य क्या होगा, बड़ा सवाल है। इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्पेशल गेस्ट का एक पैनलिस्ट जुड़ चुका है, विवेक श्रीवास्तव भाजपा से, तो वही तारिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं सपा से और वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर आज हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद है आमिर साबरी जी। सीधा रुख करते हैं आमिर साबरी जी का। आमिर जी, जिस तरीके से आज रामपुर की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है और आजम खान को हेट स्पीच मामले में बरी कर दिया है, आप बतौर वरिष्ठ पत्रकार इस फैसले को कैसे देखते हैं? बहुत शुक्रिया मुस्कान जी कि आपने इस चर्चा में शामिल किया। देखिए, पहली बात तो यह कि जितनी जल्दबाजी में सारा काम हुआ है आजम खान को लेकर के, इतनी जल्दबाजी में शायद न्यायालय नहीं करता है। आप देखिए कि 6 महीने तक का समय रहता है कि 6 महीने के अंदर चुनाव करा लिया जाए, लेकिन हमने देखा हमारी सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार ने इतनी जल्दबाजी करी है कि जिस तरीके से इधर सजस्ता गई, इधर सजा हुई, इधर फौरी चुनाव करा दिया गया। अब चूंकि चुनाव भी वहां पर दोबारा हो चुका है तो अब 6 महीने हुए भी अभी पूरे नहीं है, उसके बाद अब क्या मसला होगा, ये बड़ा बड़ा टेक्निकल पेच फंस गया करके कि अब आजम खान की सदस्यता जो समाप्त हुई थी उसका क्या होगा, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष ने सदस्यता समाप्त कर दी थी, अब कोर्ट द्वारा ये बरी कर दिए गए तो अब उस सीट का क्या होगा, ये बहुत टेक्निकल पेज फंसा है मुस्कान जी। बहुत ही मतलब ये बहुत ही विद्वान और बहुत ही कानून दा लोग बैठे हैं, तब इसके ऊपर चर्चा करें। लेकिन अच्छा आमिर जी, आप जिस तरीके से अभी आपने जिक्र किया कि उनकी विधायकी चली गई थी, लेकिन जो चुनाव आयोग है बड़ी ही जल्दबाजी में उसने उपचुनाव भी करा दिया, आकाश सक्सेना चुनाव भी जीत गए, लेकिन अब क्या इसका कोई कानूनी पहलू है? यही मैं कह रहा था आपसे कि बहुत टेक्निकल पेच फंस गया है ये मैडम, कि जिस तरीके से अब इस पे बहुत एक महत्वपूर्ण कानून जानने वाले बैठेंगे तब इस पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि अब उपचुनाव भी हो गया, या तो जो चुनाव हुआ है, देखिए एक रास्ता मेरी समझ में जो आ रहा है, मैं बहुत बड़ा कानूनदान नहीं हूँ, लेकिन एक रास्ता मेरी समझ में आ रहा है, क्योंकि एक अभी मेरे सामने 1995 में एक 98 में एक मसला आया था नगर पालिका का, तो मुझे याद आ रहा है कि नगर पालिका का उपचुनाव सरकार ने नगर पालिका को बर्खास्त कर दिया था, नगर पालिका का चुनाव हो गया था, लेकिन कोर्ट ने उसको बर्खास्तगी को बहाल कर दिया और जो चेयरमैन पूर्व थी वही चेयरमैन आ गई। ये फरुखाबाद का केस हुआ था इस तरीके का, तो मुझे लगता है अगर कानूनी कोई दांव पे इसमें खतरनाक ना हुए तो एक सीधा सीधा ये फंडा हो सकता है के जो चुनाव हुआ उपचुनाव उसको निरस्त अवैध माना जाएगा और जो इनकी सदस्यता है वो बहाल रहेगी। मुझे लगता है कि यही कोर्ट को फैसला देना चाहिए,
और यही कानूनी दावपेच के तहत आ भी रहा है। लेकिन अब क्या होता है, सरकार की मंशा क्या है, या सरकार और जिस तरीके से काम हुआ है एक तरफा आजम खान को लेकर के, मैं जान रहा हूं मुस्कान जी कि हेड स्पीच के मामले में तमाम जो किसी भी सदन के सदस्य नहीं है उन लोगों ने भी तमाम हेड स्पीच दिए, ना किसी को सजा हुई है ना कोई जेल गया है, बल्कि वो वरिष्ठ नेता बन गए भारतीय जनता पार्टी में भी या हिंदू महासभा में भी। जैसे मैं आपको याद दिला दूं, गिरिराज सिंह ने तमाम हेड स्पीच है और इंतहाई दर्जे की बदतमीजियां मंचों से की है, वही नरसिंहानंद ने भी तमाम बदतमीजियां की, वही साक्षी महाराज ने भी तमाम बदतमीजियां की हेड स्पीच के माध्यम से, मंचों से खुली खुली गालियां तक दी गई। लेकिन उसके बावजूद क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। वो लोकसभा के सदस्य भी बरकरार हैं, वो भी लोकसभा के सदस्य बरकरार हैं। नरसिंहानंद तो चलिए कोई बात नहीं है, वो तो संत हैं, साधु बाबा हैं, महाराज हैं, तो उनको तो छोड़ दिए। तो इस तरीके से एक तरफा जिस तरीके से जल्दबाजी की गई आदम खां को लेकर के, ले न्याय उचित तो इसको हम कतई नहीं मान सकते। दूसरी बात, जो अब फैसला आया है इसके तहत क्या कानून फैसला लेगा, मुझे लगता है कि इनकी विधायकी बहाल होना चाहिए और जो चुनाव हुआ है वो निरस्त हो जाना चाहिए। ठीक है, अब मैं सीधा रुख करती हूँ तारिक जी का। तारिक जी, आपके एक अच्छे और यूं कहे कि दिग्गज नेता को आज कोर्ट ने बरी कर दिया है और अगले साल 2024 का लोकसभा चुनाव है, तो क्या ऐसे में आपकी पार्टी अब आजम खान को कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां देगी? महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आजम खान साहब के पास हमेशा रही है, वो पार्टी के संस्थापक सदस्य हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं, प्रमुख नेता हैं, तो उनको जिम्मेदारी तो उनके पास जब से समाजवादी पार्टी बनी है 92-93 से तब से है। यहाँ पर मसला ये है कि आधे घंटे में सचिवालय ऑर्डर सदस्यता रद्द करने जारी कर देता है और 5 दिन बाद या 10 दिन बाद या 20 दिन बाद चुनाव आयोग चुनाव की घोषणा कर देता है। ये किसी भी चुने हुए नुमाइंदे जिसको लोकतंत्र की एक प्रक्रिया के तहत चुन के विधानसभा भेजा गया था, उसकी जबरन विधायकी की रद्द करने का मामला सरकार के प्रति दर्ज होना चाहिए, जिन लोगों ने आनन फानन में कार्रवाई की। अब दूसरा मामला क्या बनता है मैम, कि विधायकी वापस कैसे की जाएगी, वहां तो आपने दूसरे आदमी को विधायक बना दिया। अगर उसकी विधायक देंगे तो कहेंगे हम जनता से चुन के आए। मोहम्मद फैजल जो लक्षद्वीप के सांसद थे उनकी सांसदी को बहाल किया गया। अगर निचली अदालत ऑर्डर देती है तो क्या चुनाव आयोग 2-4-6 महीना वेट नहीं कर सकता कि क्या इसके ऊपर ऊपरी जो अदालतें हैं उनमें कोई स्टे आ रहा है, कोई विपरीत इस पे ऑर्डर आ रहा है, विपरीत मतलब अगेंस्ट में ऑर्डर आ रहा है। क्या हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक हाईकोर्ट के ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट ने नहीं पलटा है? दसियों बार हुआ है ऐसा। अभी निकाय चुनाव में जो हाईकोर्ट का ऑर्डर था उसको सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जल्दबाजी इसलिए है ताकि सदन में, मैं साफ आरोप लगा दूं, ताकि सदनों में कोई किसी भी टाइप का सदन, वो जनता की अदालत है, उसमें जनता की आवाज आजम खान साहब जैसी आवाज को दबा दिया जाए, वो वहां पहुंच ही ना पाए, उनको अयोग्य घोषित कर। मेरा एक सवाल और है, इस तरीके के कानून का इस्तेमाल संगीत सोम पे नहीं हुआ जब तक वो विधायक रहे, अब तो नहीं रहे। आग उठी आग। मैं डुमरियागंज के एक विधायक का जिक्र करूंगा, मुझे नाम नहीं याद आ रहा उनका, वो विधायक ही जीत गए हैं। उन्होंने कहा था कि जो बीजेपी को वोट ना दे वो हिंदू ही नहीं। अगर कोई भी आदमी बीजेपी को इसको हेट स्पीच में इन्वॉल्व करेंगे या नहीं करेंगे, देखिए मैम ये बड़ा, अभी साबरी साहब ने कहा बड़ा कानूनी मामला है, लेकिन कानूनी से ज्यादा ये नैतिकता का भी मामला है, ये डेमोक्रेसी का भी मामला है। आप लोकतंत्र को मतलब बिल्कुल कुछ समझते नहीं। मैं कह रहा हूं जनता ने जिसको चुना है उसको 5 साल अधिकार है वहां पर विधायक रहने का। आप किसी भी, अभी साबरी साहब विधायक हो या आप विधायक हो, आपके खिलाफ एक निचली अदालत में, सबसे निचली से निचली अदालत में मैक्सिमम बहुत सी धाराओं में 2 साल की तो सजा होती है, मैक्सिमम सजा करा दे आपकी विधायकी छीन। ऐसे तो जो 110 समाजवादी पार्टी के विधायक हैं आप सबकी छीन सकते हैं, आपकी मंशा भी यही है। ठीक है, बिल्कुल तारिक जी, तो मैं इसका जवाब सीधा लेती हूँ विवेक जी से। ठीक है तारिक जी, मैं आपके सवालों का जवाब सीधा लेती हूँ विवेक जी से। विवेक जी, आज जिस तरीके से ये फैसला आया है तो कहीं ना कहीं तारिक जी का साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी अपना राजनीतिक द्वेष अक्सर जो तमाम विपक्षी पार्टियां है उसके विधायकों से निकालती है। देखिये मुस्कान जी,
आजम खान अपनी बदजवानी के लिए बहुत मशहूर रहे हैं। उनके मुंह में शब्द भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं डालते, चाहे वो अपने सामने चुनाव लड़ने वाली प्रत्याशी के अंता वस्तुओं का जिक्र करने का विषय हो, चाहे जिला अधिकारी के बारे में अपशब्द कहने का विषय हो। और ये मुकदमा तो उस समय की जो मॉनिटरिंग टीम ने दर्ज कराया था, जो लोकसभा चुनाव में मॉनिटरिंग कर रही थी, और जो चुनाव होता है, जो मॉनिटरिंग टीम होती है, वो चुनाव आयोग के अधीन काम करती है। उस समय किसी सरकार का कोई दिशा निर्देश ये मॉनिटरिंग टीम या चुनाव आयोग के ऊपर लागू नहीं होता। मुकदमा चला, उन्हें सजा हुई, उस पे वो राहत के लिए हाईकोर्ट भी गए, उनको हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली। क्योंकि इस धारा में ये प्रावधान है कि सजा होते ही आपकी सदस्यता सो मोटो चली जाए। नोटिफिकेशन तो अध्यक्ष का एक प्रक्रिया है, तकनीकी प्रक्रिया कर ली जिसके नाते उनको जारी करना होता है, सदस्यता तो तुरंत चली जाती है। और जब सदस्यता चली गई और उस व्यक्ति का एक लंबा कार्यकाल शेष है, उसमें भी एक समावधि की सीमा है, 6 महीने से अगर ज्यादा का कार्यकाल वहां शेष है, तो चुनाव कराना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। ठीक है विवेक जी, अब यहाँ एक आप ही के जवाब से मैं एक सवाल दे रही हूँ। अभी आपने खुद ही कहा कि 6 महीने का समय दिया जाता है उपचुनाव कराने के लिए, लेकिन अब तो एकदम से फैसला बलन, 6 महीने का समय नहीं दिया जाता, 6 महीने से ज्यादा का कार्यकाल अगर, सुनिए विवेक जी मेरा सवाल ये है आपसे कि 6 महीने का समय इलेक्शन कमीशन के पास होता है कि वो उपचुनाव कराए, तो आखिर इलेक्शन कमीशन को इतनी जल्दी क्या थी? अगर उन्हें बीते साल ही अक्टूबर में सजा हुई है, तो आप उंगलियों से महीनों को गिनिए, कितने महीने हुए हैं और उपचुनाव कब हुए, तो आखिर 6 महीने से जल्दी क्या थी उपचुनाव कराने की वहां पे? देखिए ये विषय पुष्कान जी चुनाव आयोग का है, इसके लिए इसका उचित उत्तर देने के लिए चुनाव आयोग अधिकृत है। जहां तक आज आए हुए फैसले का विषय है, जब तक उसकी कॉपी हम लोगों के हाथ में ना आए या सरकार के हाथ में ना आ जाए, उस पर अध्ययन ना हो जाए, तब तक सरकार अभी इस निर्णय पे नहीं आई है कि सरकार उस पर आगे क्या कार्रवाई करेगी। हो सकता सरकार उसके विरुद्ध आगे जाए, हो सकता सरकार उस फैसले को स्वीकार कर ले, अभी तमाम पेचीदगियां हैं। तो ऐसे में ये कहना कि ये फैसला अंतिम है, ये उचित नहीं है। जो फैसला पहले आ चुका है, जिससे राहत के लिए आजम खान साहब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट गए थे और राहत नहीं मिली, उसके बाद अभी क्या फैसला आया है, जब तक इसकी कॉपी हाथ में ना जैसे पढ़ ना लिया जाए, तब तक इसके तकनीकी विषयों पर चर्चा मेरे द्वारा नहीं हो सकती। ठीक है तारिक जी, मैं सीधा आपका रुख करूंगी। अभी आपने विवेक जी की बातों को सुना, मैंने जब उनसे सवाल किया कि वैसे तो इलेक्शन कमीशन के पास 6 महीने का समय होता है कि वो दोबारा उपचुनाव वहां पे करा सके, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने 6 महीने इंतजार करना भी मुनासिब नहीं समझा और जितनी जल्दी हो सका उतनी जल्दी वहां पर उपचुनाव कराया और आकाश सक्सेना जीत भी गए, तो आखिर इतनी जल्दबाजी क्यों है इलेक्शन कमीशन को? मूलभूत समस्या यही है, जो स्वायत्त संस्थाएं हैं, स्वायत्त मतलब होता है ऑटोनोमस बॉडीज, उनमें से चुनाव आयोग भी एक है, आरबीआई एक है, सीबीआई एक है, उनको इंडिपेंडेंटली काम नहीं करने दिया जा रहा है। उनमें सरकार का दखल उस स्तर का हो गया है जो स्तर पर आकर डेमोक्रेसी कमजोर होने लगती है। ये बात जब कोई भी नेता कहता है तो उसको ये समझा जाता है कि ये रटी रटाई बात है ना, ये रटी रटाई बात नहीं है, ये हिंदुस्तान की एक आत्मा है, जिंदा रखना बहुत जरूरी है। आज आपके सामने किसी का उदाहरण आ गया, अगर मैं ये कह रहा हूं कि थोड़ा सा सरकार को, अब इस टाइम सरकार की बहुत बड़े स्तर पर फजीहत होने जा रही है, कोर्ट ने कहा कि हम आजम खान साहब को, और मामले को आप कोर्ट ने आजम खान साहब को बाइज्जत बरी किया है, स्टे नहीं दिया, उनके मामले में फैदल के मामले में सिर्फ ऊपरी अदालत ने स्टे दे दिया था, तो वहां चुनाव नहीं कराया था। क्यों? क्योंकि आजम खान साहब क्या है भाई, आजम खान साहब उत्तर प्रदेश के एक ऐसे नेता हैं जो गरीब मजलूमों की आवाज उठाते रहे,
जब वो आवाज लोकसभा में उठने लगी तो वहां से हटा दिया गया। वही आवाज आपको चरखा की, वही आवाज जब विधानसभा में उठती तो लोग जागते तो उनको वहां से भी निकाला, किसी तरीके से हटाया जाए, वो विधायक न रहे। एक विधायक के तमाम प्रोटोकॉल होते हैं, मौजूदा विधायक अगर वो जेल भी जाता है उसके साथ भी प्रोटोकॉल है मौजूदा विधायक के साथ। मैम, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जैसा व्यवहार करना है, ये नियम है, प्रोटोकॉल है। उसको खत्म करने के लिए वो आवाज कहीं से दब जाए, इसलिए ये लोग आजम खान साहब के पीछे पड़े हुए हैं भाजपा। वरना ऐसे लोगों के नाम भरे पड़े हैं, वरुण गांधी, बाबरी साहब को याद आएगा, चिल्ला चिल्ला के हिंदू मुसलमान के खिलाफ बोला, शायद सुल्तानपुर से सांसद हैं। मैम, मैं ये कह रहा हूं कि कोर्ट को पूरा अधिकार है अपना फैसला देने का, आज फैसला दिया है कोर्ट ने। ठीक है तारिक जी, अभी तो आप इस फैसले का बखूबी स्वागत कर रहे हैं, जो कि पूरी मीडिया देख रही है लगातार, वो दिखा रही है कि इस पूरे मामले पर जो सपा है उसमें कहीं ना कहीं खुशी की लहर है। लेकिन एक वो भी दौर था जब आजम खान इस बात से कहीं ना कहीं सपा से खफा थे कि उनके लिए कोई भी सपा का नेता खड़ा नहीं हुआ। जब वो जेल में थे तो मात्र अखिलेश यादव उनसे मुलाकात करने महज एक ही बार जेल के अंदर जाते थे, तो आखिर तब उन्हें सपा का समर्थन क्यों नहीं मिला जब वो एक मुश्किल घड़ी में थे? समाजवादी पार्टी का एक एक आदमी जो समाजवादी पार्टी को 10, 20, 30 साल से समझता है वो आजम खान से दिली जुड़ाव रखता है। मैंने अपने बचपन से, मेरे पिता के वो दोस्त है, मैंने अपने बचपन से देखा इस तरीके का निहायत ईमानदार आदमी मैंने अपनी जिंदगी में आज तक देखा नहीं। ऐसा ही नहीं, वो चैलेंज करते हैं कि मेरे पास जो कुछ है वो मेरे अकाउंट में जाके चेक कर लो। ईडी, सीबीआई सब लगा दी गई उनके पीछे, कुछ नहीं कर पाए। जो लोग समाजवादी पार्टी को जानते समझते हैं वो दिल से आजम खान साहब का इज्जत सम्मान करते हैं, उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश की जनता उनका इज्जत और सम्मान करती। और जिस तरीके से उनके साथ जो व्यवहार किया गया हम लोगों को दिल से तकलीफ है। ये जाति दुश्मनी भारतीय जनता पार्टी निकाल रही है आजम खान साहब। और इतने ज्यादा अच्छे किस्म के आदमी थे कि उन पर 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज है और महज सपा सुप्रीमो एक बार उनसे मिलने जेल में गए थे। ठीक है विवेक जी, अपनी छोटी सी प्रतिक्रिया दीजिए इस पे। देखिए मुस्कान जी, बातचीत के क्रम में तारिक साहब ने कहा कि लोकसभा से उनको हटा दिया, उनकी आवाज वहां गूंज रही थी, तो लोकसभा से उन्हें हमने नहीं अखिलेश यादव जी ने हटाया है, इस्तीफा दे के आए थे लोकसभा से। बिल्कुल। दूसरी चीज, कितने अच्छे वक्ता हैं, कितने अच्छा बोलते हैं, ये सारा समाज जानता है। 1965 में सेना के ट्रकों पे पत्थर फेंकने के मुकदमे भी आजम खान के ऊपर दर्ज हुए हैं। तो ऐसे व्यक्ति का जिस तरह से समाजवादी पार्टी के लोग महिमा मंडन कर रहे हैं वो उचित रही है। आजम खान अपनी बदजुबानी के लिए ही जाने जाते हैं, बदजुबानी के लिए जाने जाते रहेंगे। आज का फैसला जो आया उसके जब तक हम अध्ययन ना कर ले तब तक उसके लीगल एस्पेक्ट पे हमारे द्वारा चर्चा करना संभव नहीं है। हाँ, रही बात चुनाव आयोग की, तो चुनाव आयोग ने जब भी चुनाव कराना है चुनाव आयोग ने कराया, चुनाव आयोग का विषय है। और आजम खान कितने ईमानदार हैं, कितने उनकी चर्चा है ईमानदारी की, वहां के विश्वविद्यालय की दीवारें ईंटें और जमीन के कब्जे चीख चीख के बोलते हैं। बिल्कुल, कितने ईमानदार हैं। ठीक है विवेक जी, मैं वापस आपके पास आऊंगी, अब मैं सीधा रुख करती हूँ एक बार फिर से आमिर साबरी जी का। आमिर साबरी जी, अभी तमाम दलीलें दी गई हैं कि जो आजम खान है वो बहुत सच्चे आदमी है, ईमानदार है। अगर इतनी ही ईमानदारी उनमें होती तो आखिर 100 मुकदमे क्यों दर्ज होते? मुस्कान जी, पहले तो हम विवेक जी की सवाल का जवाब दे दें। उन्होंने कहा कि ये अंतिम फैसला नहीं है। बिल्कुल, विवेक जी ने कहा तो अंतिम फैसला तो मुस्कान जी जब जिले की अदालत ने दिया था वो भी नहीं था, उसका सब्र करना चाहिए था, कुछ समय इंतजार करना चाहिए था, ना कि महीने भर के अंदर सारी प्रक्रिया करके चुनाव करा दिया जाए। एक बात, दूसरी बात, चुनाव आयोग है किसके समक्ष? चुनाव आयोग विदेश से तो आया नहीं है, यहीं का आईएएस अफसर उसका आयुक्त बनता है, यहीं का आईएएस अफसर उसका निर्वाचन अधिकारी बनता है,
तो आखिर ये अजीब अजीब हास्यास्पद सा नहीं लगता कि चुनाव आयोग सब कुछ अपनी तरफ से करा रहा है, अपनी तरफ से करा रहा है? कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक 15 दिनों 20 दिन या महीने भर के अंदर कहीं सांसदी या विधायक की गई हो, फौरन चुनाव हो गया हो? कम से कम कुछ दिनों इंतजार करना चाहिए था। इधर जिले का फैसला है, इधर चुनाव आयोग ने चुनाव घोषित कर दिया, ये क्या है? दूसरी बात, आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जी जो कह रहे थे कि आदम खान, इसमें कोई दुराय नहीं, आदम खान सपा के वरिष्ठ नेता हैं, बड़े सांसद रहे हैं, मुलायम सिंह जी के साथियों में रहे हैं, लेकिन अफसोस की बात है मुस्कान जी कि इतने बड़े बड़े कांड हो गए, अभी आपने कहा 100 से ज्यादा मुकदमे आदम खां पे कायम है। मुस्कान जी आप बताइए, आदम खां पे कोई बलात्कार का, कोई हत्या का या कोई और संगीदा, किताब चोरी, बकरी चोरी, मुर्गा चोरी, ये कोई मुकदमे होते हैं जो आदम खां पे कायम है? इस ज्यादा शर्मनाक बात और क्या हो सकती है? और उससे ज्यादा शर्मनाक बात यह है कि इतने मुकदमे कायम हुए और समाजवादी पार्टी के प्रमुख घर बैठे रहे, इससे ज्यादा शर्मनाक बात और कोई नहीं हो सकती है। कोई आंदोलन, कोई धरना, कोई प्रदर्शन उन्होंने किया ही नहीं। बिल्कुल आदम खां को इसलिए छोड़ दिया कि अगर जैसे वो जेल में 27 महीने रहे कि ये मर जाए तो बाद में विधवा विलाप करें और मुस्लिमों का वोट बटोर रहे, जैसा 2022 में किया गया। तो मुस्कान जी बहुत दिनों कुछ चलने वाला नहीं है, ये बहुत जल्दी सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी और समाजवादी पार्टी कहां जहां पर थी वहीं पर पहुंच जाएगी। आज की तारीख में आप देख लिए, अभी नगर पालिका का चुनाव हुआ है, क्या स्थिति रही ये सबके सामने है। दूसरी बात, एक टेक्निकल पहलू जो बार बार आ रहा है कि जो सुहा चुनाव हो चुका उसका क्या होगा, तो एक बात मुस्कान जी जो मैं समझ रहा हूँ आपको पूरी डिटेल के साथ बता दूं, 1998 में मायावती की सरकार में चेयरमैन ही फरखाबाद बर्खास्त कर दी गई थी, उसके बाद आनंद फानन में उपचुनाव कराया गया, चेयरमैन भाजपा का जीत गया, लेकिन जब हाईकोर्ट का फैसला आया तो उसको अवैध मान लिया गया चुनाव को, जो चेयरमैन ही पूर्व थी वही बरकरार रखी गई। तो ये कुल मिलाकर के ये मुमकिन है कि वो जो चुनाव हुआ है वो अवैध घोषित हो जाए और वर्तमान में उनकी विधायकी कायम रहे, ये हो सकता है। लेकिन इसके लिए प्रक्रिया कोर्ट की अपनाएंगे खास साहब, या फिर ये विधानसभा अध्यक्ष को फैसला ले लें, ये बस टेक्निकल पेज है, बाकी पिक्चर क्लियर है। तस्वीर साहब, तारिक जी के पास चल के लेती हूँ। तारिक जी, अभी आपने आमिर साहब जी की बात को बखूबी सुना होगा, कहीं ना कहीं ये कानूनी पेज जो लगातार फंसता हुआ दिखाई दिया है कि ऑलरेडी वहां पर एक विधायक है और अब ये विधायक एक बार फिर से बेइज्जत बरी हो चुके हैं, तो ऐसे में क्या अभी आप आजम खान के साथ खड़े होकर के एक बार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे इस पूरे मामले को लेकर के, या अभी भी उनको लावारिस छोड़ दिया जाएगा कि वो अपनी लड़ाई खुद ही लड़े? समाजवादी पार्टी हमेशा आजम खान साहब के साथ खड़ी थी, खड़ी है और खड़ी रहेगी। एक एक कार्यकर्ता उनके लिए अपनी जान जुबानी तौर से मुस्कान जी है। मैं खुद हूँ। आप सुन लीजिए बात, जो अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि उनके ऊपर एक से और हत्या का मुकदमा मुख्यमंत्री के खिलाफ भी हुआ था 2009 में, योगी आदित्यनाथ साहब के खिलाफ 2017 में उसको खत्म करवा दिया। इसको राजनीतिक मुकदमे की तरह योगी आदित्य साहब ने उल्लेख किया था इसका, या पूरी भारतीय जनता पार्टी ने किया था। इसलिए प्लीज मुकदमों की बात ना करें, कितने मुकदमे डिप्टी सीएम के ऊपर है और आपके विधायक जो है 51% उनके ऊपर संगीन मुकदमे हैं। आपने बाकायदा ये कोशिश की है कि अपने विधायकों के ऊपर से मुकदमे उठा लें ताकि उनको जो आनंद फानंद में सजा होती है, जो ऑर्डर लेके कोर्ट से भागे थे इनके एक मंत्री जी साबरी साहब को नाम याद होगा, मैं नाम बोल रहा हूँ उनका, वो कोर्ट से ऑर्डर लेके भागे। तो इस तरीके के काम बीजेपी करती है। अब आपका जो सवाल था, जितनी भी कानूनी लड़ाई है वकीलों के माध्यम से, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उसके ऊपर बाकायदा, जब आजम खान साहब की जमानत की बात थी, कपिल सिब्बल साहब उनके वकील थे, उनसे वो लगातार संपर्क में थे। इस मामले में भी जिस हद तक लड़ाई होगी समाजवादी पार्टी उस लड़ाई को लड़ेगी, और वो वहां के विधायक थे, कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है, हम नहीं जानते आप कैसे विधायकी उनकी वापस करते हैं, उनकी विधायकी वापस करना सरकार की अब जिम्मेदारी है। और ये कहना कि अभी ऑर्डर को पढ़ा जाएगा, कोर्ट ने बरी कर दिया, इसका मतलब है कि उस मामले में जो धाराएं इन्होंने लगाई थी उस मामले में कोर्ट ने कहा कि उसमें कोई दम नहीं है, वहां ऐसा कुछ नहीं है। अब हम ये मांग करते हैं कि आजम खान साहब को उसी इज्जत के साथ विधायकी वापस कर दी जाए, बाकी जहां जिसको आपने जबरन वहां के विधायक वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करके बनाया है उनको राज्यसभा भेज दीजिएगा। बहुत आपके पास तो 2,500-3,000 विधायक हैं, न जाने कितने सांसद हैं, उनको राज्यसभा भेज दीजिएगा, ना होगा कोई आयोग सहयोग का मंत्री यंत्री बना दीजिएगा। तो बहुत बीजेपी के पास सिस्टम है, लेकिन
जो न्यायपालिका है उसके आदेश का जैसे पालन तब किया था आधे घंटे में, अभी हम उम्मीद रखते हैं कि बीजेपी करेगी, जल्द से जल्द ऑर्डर पास करें। सतीश महाना जी, कि अब कल से फिर से आजम खान विधायक हैं, सीट तय कर लेंगे कि कहां से विधायक, क्योंकि कम से कम उनकी विधायकी को तो बहाल किया जाए। बिल्कुल ठीक है, अभी आपने सुना कि कहीं ना कहीं ये आरोप लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन को आप काम नहीं करने दे रहे हैं, वो भाजपा सरकार के दबाव में काम करती है। अब ऐसे में क्या आप आजम खान की विधायकी वापस करने के लिए भी चुनाव आयोग से वो कहेंगे कि वो अपने फैसला बदले, क्योंकि लगातार अब यही आरोप लग रहा है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो आपके दबाव में काम कर रहा है। मुस्कान जी, उसी चुनाव के साथ खतौली में भी विधानसभा के उपचुनाव हुए थे, वहां हमारे सदस्य की सदस्यता गई थी, तो ये कोई कहना उचित नहीं है कि कोई चुनाव आयोग ने जल्दीबाजी में निर्णय लिया। चुनाव आयोग ने फैसला लिया, अदालत के सजा के प्रावधान में ही ये विधान है कि सजा की घोषणा होते ही सदस्यता चली जाती है। सर सदस्यता गई, लेकिन फिर मैं आपको याद दिला दूं कि नहीं, 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 का समय दिया जाता है, तुरंत नहीं जाती है। जल्दबाजी क्यों? और जो उनकी सदस्यता गई है वो बीते अक्टूबर ही गई है, तो अगर अक्टूबर में एक सवाल, ठीक है बताइए मैम, ऑटोमेटिक, ठीक है विवेक जी, वो तो निचली अदालत ने फैसला सुनाया था बीते अक्टूबर को, लेकिन अगर हम नियमों की बात करें तो नियम ये भी लागू होता है इलेक्शन कमीशन पे कि उसे 6 महीने का इंतजार करना चाहिए। नहीं देखिए, उस दौरान ये हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली, अब एमपी एमएलए कोर्ट ने किन तकनीकी आधार पे फैसला दिया है, जब तक इसकी तफसील से अध्ययन न हो जाए तब तक इसमें कोई संपूर्ण वक्तव्य दिया जाना जल्दीबाजी होगी। चलिए ठीक है विवेक जी, एक और सवाल फिर आप ही के जवाब से मुझे मिला, आपने अभी कहा कि अभी पहले हम फैसले की कॉपी लेंगे उसके बाद हम विचार विमर्श करेंगे, तो क्या कहीं आपको डर है कि कहीं आकाश सक्सेना की ऐसा ना हो कि विधायकी चली जाए, अगर कोई ऐसा कानूनी दाव पेच वाकई में निकल जाता है तब तो कहीं ना कहीं उनकी विधायकी पर भी गाज गिर सकती है। देखिए आकाश सक्सेना वहां के विधायक है, उनका इस विषय से कोई संबंध नहीं है, संबंध ये है कि आजम खान की को सजा रोकी गई है अदालत द्वारा, अब उनको मुक्त किया गया, ऐसा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आप लोग बता रहे हैं कि उन्हें उस सजा से मुक्त किया गया है। सर ये आजम, सर ये प्रवक्ता नहीं बता रहे हैं, ये एमपी एमएलए कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है, ये सपा के प्रवक्ता नहीं बता रहे हैं, आपने शायद अपना होमवर्क आज भी नहीं किया है। मुस्कान जी मैं यही तो कह रहा हूँ, मेरे हाथ में कॉपी तो अभी तक आई नहीं कि मैं उसका अध्ययन करके मैं कोई उचित जवाब आपको दे सकूं। जो फौरी तौर पर मुझे जानकारी है कि उनको एमपी एमएलए कोर्ट ने दोष मुक्त किया, ऐसा उनके वकील भी बता रहे थे, आपके चैनल के माध्यम मुझे जानकारी हुई, आप लोग बता रहे थे, जब तक कॉपी पूरी पढ़ी ना जाए तब तक उसके तकनीकी कारणों पे उस पे पक्षों पे वक्तव्य देना संभव नहीं है। हाँ ये सत्य है कि उनको सजा से मुक्त किया गया है, लेकिन इसमें सदस्यता उनकी बहाल हो जाए, ये हो जाए, ये सब ख्याली पुलाव पकाने वाला काम समाजवादी पार्टी पर, इनके फेवर में जो फैसला होता है उसको बीजेपी सर आंखों पे मार लेते हो, जब इनके विरोध में होता है तो कह देते हैं कि हम पढ़ेंगे देखेंगे अभी समझेंगे। सबरीमाला में भी आज तक यही मसला फंसा हुआ है कि आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला इन्होंने नहीं माना और तमाम फैसले बीजेपी मान लेते हैं। वाह भाई वाह जी, ठीक है विवेक जी, आखिर आजम खान की सदस्यता क्यों गई थी आपको ये पता है? उनकी बदजुमानी के नाते, और उसी बदजुबानी के नाते जो उनको सजा दी गई थी आज उसमें वो बाइज्जत बरी हो गए हैं। विवेक जी बदजुबान तो भारतीय जनता पार्टी में कम से कम 50% से ज्यादा लोग हैं। अब ये 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 विषय अदालत में तय होगा, ये हम आप यहाँ नहीं तय कर सकते। आज सत्य ये है कि आकाश सक्सेना वहां से विधानसभा सदस्य हैं, ये सत्य है, इनकी सदस्यता जा चुकी है, अब कैसे उसको अदालत रिप्लेस करेगी ये अदालत का विषय है। तारिक जी क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है?
ठीक है तारिक जी, मैं सीधा आपका रुख करूंगी। अभी आपने सुना कि विवेक चौरास्ता जी ने कहीं ना कहीं उनके जरा बौखलाहट देखने को मिली इस बयान में कि आकाश सक्सेना वहां के विधायक है और आकाश सक्सेना है विधायक, तो क्या वाकई में अब भाजपा इस सच से मुंह नहीं मोड़ सकती है कि आजम खान अब बाइज्जत बरी हो चुके हैं और उन पर भी अब फैसला लिया जाएगा, उनके भी सदस्यता बहाली पर फैसला लिया जाएगा? मैं कुछ बताना चाहता हूँ, जब दिल्ली दंगे हुए तो एक जज साहब थे, उन्होंने कड़े शब्दों में उसकी निंदा की और सरकार की आलोचना की, दो दिन बाद उनका ट्रांसफर हो गया। आजादी के बाद ऐसा पहली बार हो रहा है कि सरकार का ज्यूडिशरी में उस स्तर का दखल है कि डर लगता। क्या इस मामले में भी जज साहब का ट्रांसफर आंसफर कराएंगे या धमकी देंगे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने की अगर हैसियत होगी तो बन नहीं पाओगे? जैसे उदाहरण भी देता हूं, जैसे उत्तर प्रदेश में डीजीपी नहीं बनाया, क्यों? क्योंकि डीजीपी बनाने की मैं हायरार्की होती है कि जिस आदमी जितना सीनियर है वही बनेगा, इसलिए अस्थाई डीजीपी बना के रखा है ताकि इनके मुनाफिक लोग जो इनके हिसाब से चलते हैं वही बने रहे, वैसे लोग ना बने रहे जो दूसरे हिसाब से चलते हैं। कार्य प्रणाली है। अब मैं ये कह रहा हूं कि आप अगर कहते हैं कि वहां सक्सेना विधायक है तो हम कहते हैं वहां से आजम खान साहब विधायक है, जनता ने उन्हें चुना था, मैंडेट दिया था। जनता आप मैंडेट को खंडित नहीं कर सकते। साबरी साहब ने जो आदेश बताया नगर पालिका को वो एकदम सही है, मैं जानता हूं। जनता द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि को आप बर्खास्त नहीं कर सकते, ये जो कानून था इसके तहत कर सकते थे, लेकिन जब कानून के तहत ही कोर्ट ने ही कह दिया कि अब उनका कोई मामला नहीं बनता, हमने उनको बाइज्जत बरी किया है और स्टडी की कोई जरूरत नहीं है। बाइज्जत बरी का मतलब होता है जाओ भैया, कोई दिक्कत नहीं है, आप जाएं, स्टे नहीं दिया। मैं फिर कह रहा हूं फैसल साहब की जो सदस्यता स्टे पे हुई थी, यहां स्टे नहीं है, बाइज्जत बरी है, क्योंकि कोर्ट को लगा कि वो मामला उतना संगीन नहीं है जिस धाराओं में उनको सजा दी गई। सारी धाराएं, तीन धाराएं लगाई गई थी, 153 ए, 505 ए और 125। इसकी ठीक है, तो अब हम सीधा रुख करेंगे आमिर साबरी जी का, क्योंकि तारिक खान जी से हमारा संपर्क टूट गया। हम अपनी टीम से कहेंगे कि दोबारा उनको जोड़ने का प्रयास किया जाए, लेकिन सीधा अब मैं रुख करती हूँ हमारे साथ जो वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है आमिर साबरी जी का। आमिर साबरी जी, अभी आपने दोनों ही पार्टियों के प्रवक्ताओं का बयान बखूबी सुना होगा। अब सपा कह रही है कि भाई उस सीट से तो हमारे आजम खान ही विधायक है, लेकिन अब भाजपा कह रही है कि नहीं, उस सीट पर आकाश सक्सेना ही विधायक है। अब ऐसे में जो हमारा कोर्ट है उसके पास क्या रास्ता बचता है? देखिए मुस्कान जी, मसला कोर्ट जाने का आए ना, मैं तो ये चाहता हूं अगर विधानसभा अध्यक्ष में तिल बराबर भी नैतिकता है तो आजम खान को सम्मान उनकी विधायकी वापस कर दे, उनकी सदस्यता, मसला हल हो जाएगा। वरना अभी ये प्रक्रिया कोर्ट की है तो फिर आजम साहब कोर्ट जाएंगे, जब कोर्ट से आदेश होगा तो वो चुनाव अवैध हो जाएगा और आजम साहब की सदस्यता को मान लिया जाएगा। ये छोटा सा मेरा फार्मूला है और यही फार्मूला लागू होगा। अगर ये कोर्ट जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि फिर कोर्ट से अवैध घोषित हो जाएगा और इनको मान लिया जाएगा, और नहीं तो सम्मान विधानसभा अध्यक्ष को चाहिए कि इनकी सदस्यता वापस कर दे और इनको माननीय सदन का सदस्य मान लिया जाए। यही एक मसला बचता है जो चुनाव प्रक्रिया से वो बड़े खर्चे से बचा जा सकता है, जा सकते हैं साहब, फिर मतलब उनकी बहाल हो सकती है। बाकी जो अभी बातें चल रही थी सपा भाजपा की, ये सब टोटल मैं नहीं जान समझ पा रहा हूँ कि ये क्या मामला है। ये सब एक दूसरे पर लांछन लगाना, इल्जाम लगाना, ये युगों से चला आ रहा और यही चलता रहेगा। लेकिन शॉर्ट का मसला यही है शॉर्ट फॉर्म में कि माननीय अध्यक्ष जी को चाहिए कि इनकी सदस्यता बहाल कर दें और इनको सदस्य मान लें। बाकी जो चुनाव हुआ वो तो अवैध था ही, इसमें तो कोई दोराई नहीं है। तो जिस अंदाज से और जिस तेजी के साथ सारे कार्य हुए हैं वो भी पूरे प्रदेश ने, बल्कि पूरे देश ने अपनी नंगी साबरी साहब, चुनाव खतौली में भी हुआ है। विवेक जी कुछ फरमा रहे थे, हम सुन नहीं पाए। विवेक जी अपना सवाल जरा दोहरा दीजिए एक बार। साबरी साहब, उसी के साथ साथ बगल खतौली में भी चुनाव हुआ है, और ये ऐसा नहीं है कि केवल हम इन्हीं की सदस्यता गई, हमारे सदस्य की सदस्यता गई है। और जिस तरह से आप बात कर रहे हैं
ये मेरी परंपराओं में संभव नहीं है। अदालत ने इनकी सदस्यता के बाबत अगर कुछ फैसला दिया होगा तो उस पर देखा जाएगा, और वो अदालत अंतिम अदालत है, उसका फैसला सब लोग स्वीकार करने के लिए बात है। किसी की सदस्यता समाप्त करे या किसी की सदस्यता बहाल कर दे, ये अधिकार तो विधानसभा अध्यक्ष को दिए ही है सदन ने। भाई आप देखिए, तीन चीजें, न्यायालय, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय प्लस सदन के अंदर कानून बनते हैं, वही लागू करे जाते हैं। अब सदन तो सर्वोच्च है ही है, ये अलग बात है कि अन्य प्रक्रियाओं में कोर्ट सर्वोच्च है, लेकिन यहाँ सदन भी सर्वोच्च है। तो अब जी आप इसी पहलू को भी तो समझिए कि सदन में जब कानून बनते हैं देखा जाएगा क्या कि इसमें क्या हो सकता है, सदन में ही आकर के कानून का दाव पेश खेले। तो ये तो विधानसभा अध्यक्ष को हमारे अधिकार है ही है कि वो माननीय सदस्य सदस्यता को बहाल कर दे। ठीक है, अब आपने आमिर जी दोनों ही पार्टियों का तर्क सुना, दोनों ही पार्टियों के नेताओं ने, प्रवक्ताओं ने अपना अपना तर्क रखा, लेकिन आपका पत्रकारिता में एक लंबा करियर रहा है, क्या आपने इससे पहले कोई ऐसा मामला सुना है जिस पर आज हम चर्चा करें? क्योंकि मेरे मुताबिक तो मैंने आज से पहले कभी ऐसा कोई मामला नहीं सुना है, ना मेरे ध्यान में है। देखिए मुस्कान जी, बात बिल्कुल सही है, इतनी जल्दी हो जाए, ये भी मेरे सामने भी पहले ही मामला है। एक मामला जो भी हमने आपको बताया था नगर पालिका परिषद का, उसके हमने आपके सामने पूरी व्याख्या कर दी कि किस तरीके से बसपा सरकार रहते भारतीय जनता पार्टी के दबाव में उनकी चेयरमैन ही गई, उसके बाद कोर्ट ने उनको बहाल कर दिया, जो चुनाव हुआ था उसको अवैध घोषित कर दिया। अगर आजम साहब कोर्ट जाते हैं तो यही एक तरीका है कि वो अवैध घोषित हो जाएगा और ये बहाल हो जाएंगे, और बेहतर ये कि इससे बेहतर ये है कि हमारे माननीय अध्यक्ष जी चाहे तो उनकी सदस्यता को बगैर किसी हिला हवाले के बहाल कर सकते हैं, लेकिन अगर नैतिकता हो तब, जब सारी बेशर्मी हो रखी है तब तो एक अलग बात है। मुस्कान जी बहुत स्पष्ट सी बात है, कानून के दाव पर जैसे विधानसभा अध्यक्ष के बारे में इस तरह पीड़ा करें साहब, इधर चुनाव घोषित कर संवैधानिक पद होता है और नया सदन भी चुन के आ गया, तो ये तो बहुत शॉर्ट में एक बदजुबान आदमी को एक अदालत से कोई फैसला मिल गया और किसी की बुराई से मतलब नहीं है, उत्साहिता में इस तरह के बयान देना ठीक नहीं है। पत्रकार का है इतना, मैंने अपने जब से पत्रकारिता शुरू करी आज तक इतना दखल चाहे किसी की सरकार रही हो, न्यायालय में इतना दखल किसी सरकार ने देगा कि जितना मौजूदा सरकार का न्यायालय में दखल है। छोटे छोटे मामलों में भी सरकार दखल दे रही है, बड़े मामले छोड़ दिए, कोई ऐसे ही मामले होते थे बहुत ही गंभीर मामलात में सरकार दखल दे देती थी, वो भी सुप्रीम कोर्ट जैसे उसमें, लेकिन हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, जनपद जिले कोर्ट में कभी सरकार दखल नहीं देती थी। ये पहली सरकार है मैं देख रहा हूँ कि जिले से लेके और उच्चतम न्यायालय तक सरकारों का दखल है, ये इससे ज्यादा मतलब बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल बिल्कुल मैं आपकी बात से बिल्कुल ताल्लुक रखती हूँ कि जिस तरीके से यह जो फैसला है कहीं ना कहीं इससे सिर्फ जनता फंस रही है। विवेक जी आप मेरी बात से कितना सहमत है कि जनता का समय भी खराब हो रहा है, जनता की मेहनत खराब हो रही है, जो वहां का प्रशासन है वो भी लगातार चुनाव करवाने के लिए कड़ी मशक्कत करता है, उनको कड़े इल्जाम भी लगते हैं कि निष्पक्ष चुनाव नहीं होने दे रहे हैं। मैं आपकी बात से मुस्कान जी लेश मात्र भी सहमत नहीं हूँ। जिस व्यक्ति को बदजुबानी में सजा हुई, जो उस दौरान हाईकोर्ट गया जिसको वहां से राहत नहीं मिली, चुनाव आयोग ने अपना कार्य किया, सदस्यता जा चुकी थी, सीट खाली थी, उन्होंने चुनाव कराया, क्षेत्र की जनता को अपना प्रतिनिधि मिल चुका है। अदालत ने आज जो फैसला दिया है उसको देखा जाएगा उस फैसले की स्थिति क्या है, इनकी सजा जब इस फैसले में मेरे मुताबिक तो देखने दिखाने जैसा कुछ है नहीं, क्योंकि रामपुर के स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने फिलहाल आजम खान को बाइज्जत बरी कर लिया है, लेकिन कहीं ना कहीं अब ये आपके लिए या यूं कहे कि सपा के लिए, दोनों के लिए ही चुनौती बनेगी कि आखिर अब जो विधायक है वो वहां का कौन होगा। धन्यवाद आप तीनों ही पैनलिस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज एक बड़ा फैसला रामपुर के स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाया, जहां हेट स्पीच मामले में आजम खान की जो विधायकी गई थी अब उस मामले को लेकर के आजम खान को बरी कर दिया गया है, लेकिन अब यहाँ पे कानूनी दाव पेच का इस्तेमाल किस तरीके से होगा ये देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि ये वही मामला था जिस पर आजम खान की विधायकी चली गई थी, लेकिन अब उसी मामले पर आज रामपुर की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया है। अब यहाँ ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिर अब सपा का इस मामले पर रुख क्या होता है और भाजपा इस पूरे मामले पर क्या करती है, क्योंकि अब सपा की तरफ से लगातार ये दलीलें दी जा रही है कि अब वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे और सुप्रीम कोर्ट से यही गुहार लगाएंगे कि आजम खान की जो विधायकी है, जो सदस्यता है, वो फिर से बहाल की जाए। लेकिन अब भाजपा भी लगातार कहीं ना कहीं यही कहती हुई नजर आ रही है कि इस मामले
मामले पर जब तक उनके पास पूरी कॉपी नहीं आ जाती है कोर्ट के फैसले की, उसके बाद ही वो अपना कोई पक्ष रखेंगे, क्योंकि अब सपा जो है वो लगातार ये चाह रही है कि बाइज्जत आजम खान की विधायकी उन्हें वापस की जाए और बाइज्जत आजम खान की सदस्यता भी उन्हें वापस की जाए। अब यहां पर किस तरीके से कानूनी दांव पेच का इस्तेमाल दोनों ही पार्टियां करती है ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन अब भाजपा इस सच से मुंह नहीं मोड़ सकती है कि आजम खान को बाइज्जत बरी कर दिया गया है। खबर दोपहर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।